हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि घर में मोमोज कैसे तैयार किए जाते हैं, इनको कैसे हम स्टफिंग और स्टीम देंगे, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आओ वीडियो शुरू करते हैं। वेज मोमोज बनाने के लिए हमने एक कटोरी मैदा लिया है, जिससे हमारे 20 मोमोज बन जाएंगे। मोमोज की स्टफिंग के लिए हमने कुछ वेजेस ली हैं, जिनमें से प्याज, शिमला मिर्च और बंद गोभी है, जो मैंने पहले ही कद्दूकस करके रखी हुई हैं। इसके अलावा हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट भी लिया है। मैदे में 1 चम्मच घी डालेंगे। और पानी ऐड करके इसका डो बनाएंगे। मैदे को हमने अच्छी तरह से गूंद लिया है, हमारा डो रेडी है। हमने जो वेजेस ली थी, शिमला मिर्च, प्याज और बंद गोभी, उसको हम ऐसे हाथ से निचोड़ लेंगे, ताजो हमें मोमोज की स्टफिंग के लिए कोई दिक्कत ना आए। हमने वेजेस को निचोड़कर एक प्लेट में निकाल लिया है। अब हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करेंगे। और अपने टेस्ट के अनुसार नमक लेंगे। मोमोज को स्पाइसी बनाने के लिए थोड़ी लाल मिर्च ऐड करेंगे। इस मिक्सचर को हम अच्छी तरह से हिलाएंगे, ताकि हमारा मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। जो हमने डो तैयार किया था, उसकी छोटी छोटी लोई बनाएंगे। सारे डो की हमने लोइयां तैयार कर ली हैं। अब हम अपनी लोइयों को बेलेंगे। बेलने के लिए हम सूखा मैदा यूज कर सकते हैं। बेलने के टाइम ध्यान रखिए कि इसकी परत ना ही ज्यादा पतली हो और ना ही ज्यादा मोटी हो। अगर इसकी परत थोड़ी पतली होगी तो स्टफिंग के टाइम इसका मैदा फट सकता है, अगर मोटी होगी तो वेजिस का टेस्ट नहीं आएगा, इसीलिए हम इसको मीडियम साइज की बेलेंगे। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से इसको बेल रही हूँ। ना ही ज्यादा पतली है और ना ही ज्यादा मोटी है। मैंने सारी लोइयों को बेल लिया है। हम वेजिस की इसमें स्टफिंग देंगे। स्टफिंग हम 2-3 तरह से दे सकते हैं। आप देखते रहिए मैं कैसे इसको स्टफिंग देती हूँ। अब हम बेली हुई एक लोई लेंगे, उसमें वेजेस की स्टफिंग करेंगे। आप चारों ओर इस तरह से पानी लगा लें, ताजो बंद करने पर इसकी पकड़ बनी रहे। आप देखिए किस तरह से मैं इसको बंद कर रही हूँ, आप भी इस तरह से इसको बंद करें। अब हम दूसरा मोमोज तैयार करेंगे, स्टफिंग देंगे इसको। स्टफिंग के बाद आप देखिए मैं इसको किस तरह से बंद कर रही हूँ। अगर इसको बंद करने में दिक्कत आ रही है तो आप इसको पानी की मदद से बंद कर सकते हैं। देखिए मैं किस तरह से कर रही हूँ। अब हम दूसरे डिजाइन का मोमोज तैयार करेंगे, जो बिल्कुल सिंपल है।
बाजार में भी मिलता है गोल वाला। डिजाइन आप कोई भी दे सकते हैं अपनी मर्जी का, जो आपको अच्छा लगे। अब हम मोमोज को स्टीम देने के लिए एक कढ़ाई में एक जग पानी लेंगे और उसको अच्छी तरह से गर्म करेंगे। अब हम एक छाननी की मदद से मोमोज को स्टीम देंगे। जो छाननी के होल हैं वो मोमोज को स्टीम देंगे। अब हम छाननी के ऊपर थोड़ा रिफाइंड लगाएंगे ताकि जो हमारे मोमोज है छाननी के साथ चिपके ना। एक एक करके हम सारे मोमोज इसके ऊपर टिकाएंगे। मैंने सारे मोमोज इसके ऊपर टिका दिए हैं। अब हम इसको ऐसे ढक्कन से ढकेंगे जिससे इसकी स्टीम बाहर ना निकले। इसकी स्टीम से ही हमारे मोमोज तैयार होंगे। देखिए मेरे पास एक ढक्कन है, इसी ढक्कन के साथ मैं इसको ढक रही हूँ। मेरी स्टीम बिल्कुल भी बाहर नहीं आ रही है। अब हम 10 से 12 मिनट तक मोमोज को पकाएंगे, मीडियम आंच पे पकाएंगे। 10 से 12 मिनट के बाद हम अपने मोमोज चेक करेंगे। तकरीबन हमारे मोमोज बनके रेडी हैं, पर इसको 2 मिनट के लिए और पकाया जा सकता है, इसलिए मैं इसको दोबारा ढक रही हूँ। 2 मिनट के बाद हम अपने मोमोज फिर से चेक करेंगे। हमारे मोमोज बनके रेडी हैं, इसको हम प्लेट में निकालेंगे और सर्व करेंगे। मैंने मोमोज को एक प्लेट में निकाल लिया है। देखिए हमारे मोमोज कितने डिलीशियस लग रहे हैं। आप इसको म्यूनिज और मोमोज चटनी के साथ खा सकते हैं। अगर आपको मोमोज की चटनी की रेसिपी जाननी है तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और हमारे इस लिंक को फॉलो कीजिए। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।